सो गाइस पिक्सार्ट इस बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद आपको सिंपली एड पर आ जाना है एंड आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद कटआउट पर आ जाना है एंड कुछ इस तरह से आपको आउटलाइन ड्रॉ कर देना है या फिर गो पर क्लिक कर देना है ठीक है। तो आपका कटआउट रेडी हो जाएगा एंड उसको आपको सही पोजिशन पर बैठा देना ठीक है गाइस एंड सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना ठीक है। तो आपको सही तरीके से बैठा देना ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा एंड उसको तो सिंपली एड फोटो पर आ जाना है एंड ये जो ब्लैक शैडो है इसको नीचे की साइड से आपको ऐड कर देना है एंड इसका जो ऑपोजिट है उसको हल्का सा कम कर देना है ठीक है। एंड यहाँ पर आपको सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको फिर से आ जाना है एड फोटो पे एंड एड फोटो करने के बाद आपको सिंपली ये वाला जो टेक्स्ट पेज है ठीक है इसको आपको सिंपली ऐड कर लेना है एंड गाइस इस एडिटिंग करने के लिए जो बैकग्राउंड एंड पेज का यूज़ करूँगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना ठीक है। एंड गाइस आगे और बात करेंगे ठीक है, मेरा मोबाइल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है इसलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ ठीक है। तो क्या हो गया मैं आपको बाद में बता दूँ। तो यहाँ पर मैंने इफेक्ट्स पे आ गया हूँ एंड यहाँ पर आपको ढूंढना है शार्पनिंग वाला ऑप्शन ठीक है, ये अपन देख सकते हो एंड इसका जो अमाउंट है उसको आपको फेड ज़्यादा कर देना ठीक है, करीबन 80 के ऊपर ठीक है। एंड यहाँ पर मार्च करके राइट पर क्लिक कर देना ठीक है, यहाँ से आपको सिंपली आ जाना है आपको ड्रॉ टूल पे एंड ड्रॉ टूल में आने के बाद आपको इस फोटो को सेव कर लेना है एंड लाइट रूम ऐप में सिंपली आपको ओपन कर लेना ठीक है। तो मैं लाइट रूम ऐप में कैसे फोटो को रिटच कर रहा हूँ ठीक है, आप लोग देख सकते हो गाइस ठीक है, कलर टून कैसे करूँगा ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरा मोबाइल पर क्या होगा है, तो गाइस मेरा मोबाइल पर पता नहीं क्या होगा है, ऑटोमेटिक टास्क कर रहा है ठीक है, मतलब जो गोस्ट टास्क बोलते हैं ना वो हो गया है ठीक है। तो इसलिए मैंने मोबाइल को कल सर्विस सेंटर पे ले जाऊंगा ठीक है, पता नहीं उन लोग कितना टाइम लेगा ठीक करने में, अगर जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन में ठीक कर देगा तो मुझे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अगर कम से कम 7 दिन तो रखेगा तो वीडियो 7 दिन नहीं आएगा ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई, यार क्या करूँ मोबाइल प्रॉब्लम होगा इसलिए तो मुझे सर्विस सेंटर पे देना ही पड़ेगा ठीक है, तो वीडियो कुछ दिन नहीं आएगा ठीक है, इसको ले सॉरी भाई जिसे। एंड उसके बाद जब मेरे पास मोबाइल आ जाएगा तब से भाई तगड़े वाला वीडियो आने वाला है ठीक है, तो आप लोग बस थोड़ा दिन वेट कर लेना ठीक है एंड वीडियो को कंटिन्यू ऐसे सपोर्ट कर देना ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने शार्पनिंग एंड कॉन्ट्रास्ट को मैंने इंक्रीज कर दिया एंड प्रीसेट्स वाला ऑप्शन पे आऊँगा एंड यहाँ पर जो शार्पनिंग है उसको हेवी कर दूंगा एंड यहाँ पर जो ऑप्टिक्स वाला ऑप्शन है इसको हम लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है। एंड उसके बाद वो क्या करना है बिफोर एंड आफ्टर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ठीक है, कितना ऑसम लग रहा है देख सकते हो गाइस। यहाँ पर मैं प्रीसेट के ऑप्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ पर देखो कोई इफेक्ट अगर अच्छा लगे तो मैं रखूँगा, नहीं तो कैंसिल कर दूँगा ठीक है, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ एंड इस फोटो को हम सेव करेंगे एंड ओपन करेंगे पिक्सार्ट ऐप में ठीक है, क्योंकि हमें टेक्स्ट मैसेज ऐड कर लेना है ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऐड फोटो क्लिक कर दिया हूँ एंड बस ये वाला जो टेक्स्ट पेन है ठीक है लेजेंड्स नेवर डाइस को मैं नीचे की तरफ ऐड करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको ऑपोजिट कम कर देखता हूँ, तो ऑपोजिट फुल ही रखने से गाइस ठीक है, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना आपको एंड सिंपली आपको और एक पेन ऐड कर लेना ठीक है, यहाँ पर ये फैमरू आर्मी वाला टेक्स्ट पेन ठीक है एंड यहाँ पर आपको सिंपली बैठा देना ठीक है एंड इसको जो ऑपोजिट को थोड़ा सा कम कर देना ठीक है एंड यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली फाइनल वर्क ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली लाइट पेन ऐड कर लेना है एंड इसका स्क्रीन मोड ब्लेंडिंग मोड को आपको स्क्रीन कर देना है एंड साइज़ को आपको इंक्रीज कर देना ठीक है एंड इसका ऑपोजिट को आपको हल्का सा कम कर देना है ठीक है। तो देख सको कितना गजब के लग रहा है हमारा फोटो, यहाँ पर मैं सिंपली जाऊँगा एड फोटो पर एंड हमारा जो लोगो है लोगो को मैं सिंपली ऐड कर लूँगा ठीक है, आप भी आपका अगर लोगो है तो लोग ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आपको लोगो बनाना नहीं आता है तो आप नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा ठीक है। तो देख सकते हो गाइस हमारा फाइनल फोटो एडिटिंग हो चुका है एंड इस फोटो को मैं सेव कर दिया ठीक है गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसा नए वीडियोज देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।